संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालय शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुलपुर से मैं दिलीप कुमार द्विवेदी समाजशास्त्र विभाग समाजशास्त्र के पांचवा पेपर नगरी भारत में नगरी समाज की चौथा इकाई की प्रथम टॉपिक पे चर्चा करूंगा। टॉपिक है व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन और उसका सामाजिक स्तरीकरण पर प्रभाव व जाति। ये टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोचक टॉपिक है। इसकी एक एक का अर्थ पहले समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी व्याख्या करके आगे जो मुख्य टॉपिक है उससे अपन चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला आप जैसे शब्द है व्यवसायिक, व्यवसायिक मतलब व्यापार से है। दूसरा से आप ले सकते हैं संरचना, संरचना का मतलब है निर्माण से। परिवर्तन, परिवर्तन अर्थात बदलाव। स्तरीकरण माने बांटना। जाति माने भेद। आइए एक एक को देखते हैं। व्यवसायिक, व्यवसायिक वे लोग हैं जो व्यापार करते हैं जिसमें आयात और निर्यात की जाती है। संरचना, संरचना का अर्थ होता है निर्माण से। व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलकर के अंतःक्रिया करते हैं तब जाके समाज का निर्माण होता है। आप उदाहरण आपको पिछले में दिया गया है, इसे भवन का निर्माण, भवन के निर्माण किस तरह का होता है आप सब जानते हैं। ये अंतःक्रिया की बात होता है। परिवर्तन, किसी भी वस्तु के स्थिति में बदलाव आना परिवर्तन है। स्तरीकरण, स्तरीकरण का मतलब है ऊंच और निम्न में बांटना, ये स्तरीकरण है। फिर जाति को ले लीजिए, जाति को भेद कहते हैं। तो जाति आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म में जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार जातियां होती है। इन जातियों में भारी कठोरता है आवास पे, खान पान पे, रहन सहन पे। इसीलिए मजुमदार मदान ने कहा है कि जाति एक बंद बन गए हैं। आइए देखते हैं व्यवसाय संरचना में जो परिवर्तन हो रहा है वह स्तरीकरण व जाति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। पहले पहले व्यवसाय जातिगत हुआ करते थे। जातिगत में एक ही जाति अपनी जाति में से मिलकर व्यवहार करते थे, ये पहले पहल की बात थी। लेकिन आज देख लीजिए जो आज वर्तमान में व्यवसायिक संरचना है, व्यवसायिक निर्माण है, जिनके चलते आज कोई भी जाति किसी भी जाति के व्यवसाय को अपना रहे हैं, कर रहे हैं, जिससे जाति पाति प्राय मिट सा जा रहा है। अब ले लेते हैं आप सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय है, यह शब्द समाज शास्त्र के भूगर्भ शास्त्र से ली गई है। भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी और चट्टान के परतों को अलग अलग रूप में बांटा है। उन्हीं बातें को लेकर के समाज में भी शिक्षा, लिंग अनुपात, जाति, धर्म आदि पे ये ऊंच और नीच की, निम्न की भावना को वर्ग में स्तरीकरण किया गया है, बांटा गया है। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या में आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा आदि के माध्यम से इन पदों के आधार पर निम्न और उच्च पद का आधार बना के रखे हैं। जो आज व्यवसायिक स्तर, व्यवसायिक अच्छे व्यवसाय के संरचना होने से, बड़े बड़े से उद्योग धंधा स्थापित होने से, बड़े बड़े व्यवसायिक होने से आज ये नहीं देखा जाता कि कौन से व्यवसाय ऊंच है, कौन से निम्न है। जिस निम्न से भी लाभ हो जाते हैं तो ऊंच वर्ग के व्यवसायिक के साथ काम करते हैं, ऊंच निम्न के साथ करते हैं। ये सारी परंपरा में जो देखने को मिल रहा है, कहा जाए निम्न गिराव देखने को मिल रहा है, ये व्यवसायिक वर्तमान व्यवसायिक संरचना का वो है। व्यवसायिक संरचना की सैन्य सारे परिवर्तन से स्तरीकरण के आधार जो दास प्रथा है वह प्राय मिट सा गया है। पहले पहल दास प्रथा थी, दास वे हुआ करते थे जो बहुत सारे अधिकारों से वंचित रहते थे। ये यूनान, रोम, दक्षिण अमेरिका आदि देशों में ये दास प्रथा प्रचलित थी। दूसरी जो उनके जागीरे में
तीन वर्गों को लिया गया, एक उनका वर्ग बना पादरी, दूसरा बना सरदार, तीसरा बना साधारण जन। आज पादरी और सरदार ये दोनों वर्ग प्राय रूप सा हो जा रहा है, लेकिन साधारण जन आज पूरे जनता जनमत के होने के कारण साधारण जन आज भी वर्तमान में विराजमान है। इसमें इन दोनों में काफी परिवर्तन हुआ है, उसका मतलब है व्यवसाय के कारण, व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण। अब यहाँ लेते हैं जाति। जाति का आपको बताया गया है भेदभाव, तो भेदभाव इस संबंध में जाति के विषय में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये जाति ये वर्ण मैंने उत्पन्न किया है। चातुर्वर्ण मया दृष्ट्वा, चार वर्णों मैंने अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति मैंने की है। और किस आधार पे की है? कर्म के आधार पे। चातुर्वर्ण मया दृष्ट्वा गुण कर्म विभागजा, गुण और कर्म के आधार पर मैं विभाजित किया। मतलब जैसे जो वेद पाठन किए, वेद पढ़े पढ़ाए वो ब्राह्मण हो गए, जो प्रजाजनों की रक्षा के काम दायित्व ले लिए वो क्षत्रिय हो गए, गौ का सेवा कृषि कार्य करने का जो काम किए वो वैश्य की उत्पत्ति में आ गए, और तीनों वर्णों की जो सेवा किए वो शूद्र वर्ग में उत्पन्न हुए। ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे आपके कार्य को बता दूं, जाति की सदस्यता जनमत पर आधारित होती है, जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है, तीसरा है जाति में उच्चता और निम्नता पाई जाती है, आगे है जाति में राजनीतिक जातिकरण पे होता है, आगे है जाति पंचायत की विशेषता देखने को मिलती है। ये जाति पंचायत ये सब सारी बातें, खान पान पर भी जाति का प्रभाव होता है। पहले पहले हुआ करते थे, आज भी बहुत सारे गांव में ये जाति पर प्रतिबंध है, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि यदि एक जात के व्यक्ति दूसरे जात के यहाँ भोजन कर लेते थे तो उसे अपने जात से निकाल देते थे, और उनसे जब वो दंड लेते थे, पक्का भोजन या कच्चा भोजन या कुछ रुपए दंड लेकर के, तो उसे अपनी जाति में शामिल किया जाता था। लेकिन आज व्यवसायिक नए व्यवसायिक संरचना होने के निर्माण के कारण ये जाति प्रथा पर भी प्रभाव पड़ा है। इस रूप में कि आज बड़े से बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, बड़े व्यापारी हो रहे हैं, सब व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये कौन सी जाति है जिनके साथ हम भोजन कर रहे हैं। होटलों में बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ मिलकर के भोजन करते हैं। ऐसी जाति की बहुत सारे कठोरपन है जिसमें लचीलापन देखने को मिलता है। ये सब क्या है? व्यवसायिक संरचना का, आधुनिक व्यवसायिक संरचना का जोर है, महत्व है। धन्यवाद।